कोरोना से तो लड़ ही रहे हैं, बाढ़ से खगड़िया का एक चोली और दामन का रिश्ता है जी। उस परिस्थिति को लेकर आप कैसे तैयार हैं? बाढ़ की विभीषिका भी एक बहुत बड़ी जो है समस्या होती है खगड़िया के वासियों के लिए, बाढ़ से भी निजात दिलाना आपकी जिम्मेदारी है, तो उसको लेकर के क्या कुछ तैयारी है जिला प्रशासन की? पिछले वर्ष की अगर बात करें तो बाढ़ से लगभग 7 प्रखंड, उसमें से पर्वता प्रखंड थोड़ा कम वहाँ प्रभावित था, लेकिन शेष सभी प्रखंडों में खासकर अलौली, बेलदौर और चौथम में हम लोग सब जानते हैं कि किस प्रकार से बाढ़ की विभीषिका का सामना करना पड़ा था, और बड़ी संख्या में वहाँ पर पंचायतें और लोग प्रभावित हुए थे। बाढ़ खगड़िया ज़िले के लिए लगभग हर वर्ष का एक फिनोमेना है, बाढ़ या तो बड़े पैमाने पर आती है या उससे थोड़े पैमाने पर आती है, लेकिन बाढ़ आती ज़रूर है। अगर वर्षा होगी तो निश्चित रूप से खगड़िया में बाढ़ आती है। तो हम लोगों के लिए एक ऐसा सत्य है जिसको झुठलाया नहीं जा सकता, तो तैयारी तो हम लोगों को करनी होगी। तो इसकी एडवांस प्रिपरेशन हम लोग ने शुरू कर दी है, पहली बैठक हम लोगों ने कल की बाढ़ पूर्व तैयारी की, और उसमें जो तैयारी है और जो दिशा निर्देश हैं बेसिकली, क्योंकि पहली बैठक थी तो जो सामान्य दिशा निर्देश विभिन्न विभागों को दिए जाते हैं, खासकर बांध की मरम्मति इत्यादि आदेश, और अंचल स्तर पर जो तैयारी होती है नावों की मरम्मति, नावों का रजिस्ट्रेशन, साथ ही साथ पंजीकरण, सूचीकरण और उनको उनकी रेडीनेस रिपोर्ट, उनका पूर्व का भुगतान कोई बकाया नहीं हो, और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है जो पूर्व के वर्षों में जो पूर्व का अनुभव रहा है उसके आधार पर ऐसे संकटग्रस्त क्षेत्र जो बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं, और उनके लिए जो भी आवासीय शरण स्थली हम लोग चिन्हित करते हैं, हाँ, ऊँचा स्थान जो है उच्च शरण स्थली, उसकी पहचान पहले से करके रखे हैं। जो आसपास के स्कूल्स हैं वहाँ पर जो खाद्यान्न इत्यादि अभी मिड डे मील वगैरह का है, उसका एक हम लोगों ने एक आंकड़ा भी तैयार किया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर जब उस समय ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उसका भी उपयोग कर सकेंगे, और बड़ी कोई त्रासदी आने के बावजूद भी ह्यूमन लाइफ का लॉस नहीं हो, जानवरों की मृत्यु ना हो, और कम से कम लॉस के साथ हम लोग गृह क्षति कम से कम हो उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी कर रहे हैं। सर, यहाँ की कटाव की बहुत बड़ी समस्या होती है, तो उस कटाव को से निपटने की दिशा में क्या प्रॉब्लम? लघु फ्लड कंट्रोल डिवीजन, यहाँ पर 2 डिवीजन्स हैं जो एक्सक्लूसिवली इसी कार्य को देखते हैं। विगत वर्ष जो बाढ़ की विभीषिका आई थी वहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्र जो नदी के अंदरूनी हिस्सों में हैं वहाँ पर कटाव का प्रकोप था, हम लोगों ने सरकार का ध्यान भी इस संबंध में आकृष्ट कराया और यहाँ से उसका प्रस्ताव भी भेजा था, संभवतः उस संबंध में भी वहाँ से दिशा निर्देश फ्लड कंट्रोल डिवीज़न को प्राप्त हुए हैं। बहुत जगह दोनों ही डिवीज़न में काम शुरू हो गया और 15 मई तक इस काम को पूर्ण कर लेने का भी निर्देश सरकार से प्राप्त है। हम लोग उसी दिशा में अग्रसर हैं, हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि इस बार जो तैयारी है उस हिसाब से ज़्यादा लॉस नहीं होगा, और जो क्षेत्र हर समय जल प्लावित रहते हैं वो तो रहेंगे ही, लेकिन लॉस को मिनिमाइज करने का मुख्य उद्देश्य सरकार का।